अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मेंबर बिल में हमारे आदरणीय सदस्य जो बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी हैं, श्री भरत मेहताब जी, उन्होंने पिछले प्राइवेट मेंबर डे में ये बिल पेश किया था और उस पर उन्होंने चर्चा की थी। कुल मिलाकर के इस बिल पर हमारे बोलने वाले सदस्यों की संख्या 20 सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले तो मैं मेहताब जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्व के विषय को एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में यहां पर लाया है और हम सबका ध्यान, सदन का ध्यान इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही साथ मैं सभी 20 सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उनका बहुत ही वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन रहा है और बहुत ही अच्छे सजेशंस उनके तरफ से आए हैं, साथ में उनका कंसर्न भी आया है और यह बहुत अच्छी बात है कि मोस्टली द यंग स्पीकर्स वर स्पीकिंग अबाउट द ओल्ड एज पीपल। दैट शोज हाउ मच आवर रिप्रेजेंटेटिव्स आर कंसर्न्ड अबाउट द एजिंग पीपल एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव दिस इशू हैज बीन राइटली टेकन अप बाय ऑल द मेंबर्स, सो आई मस्ट थैंक देम फॉर टेकिंग दिस इम्पॉर्टेंट इशू। वैसे अगर हम अपने समाज में देखें तो हमारे यहाँ पिता को भगवान तुल्य, माता पिता को भगवान तुल्य समझा गया है, इसलिए रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, आवर एल्डर पीपल हैज़ बीन वेरी मच इनग्रेन्ड इन आवर सोशल सिस्टम एंड दैट इज़ वाई वी हैव बीन रिस्पेक्टिंग इन आवर ओन वे और उनको हमने एक भगवान के रूप में देख करके कार्य करने का प्रयास किया है। लेकिन समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन आए और उसमें हमारी बहुत से विषयों के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी चेंजेस आए हैं। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था एक समय में, वो उसमें बहुत से डाइल्यूशंस भी आए हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब वो सिंगल फैमिली हो गई, छोटी फैमिलीज हो गई, लाइफस्टाइल्स में परिवर्तन हो गया और इसलिए एजिंग के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आई। इट इज नॉट ओनली द हेल्थ फैक्टर, द सोशल फैक्टर, द अदर फैक्टर्स ऑल टुगेदर, द लाइफस्टाइल, ये सब मिलाकर के इस समस्या को एक गंभीर रूप दे रही है। इसलिए हेल्थ इज वन एस्पेक्ट जहां हम उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे एक सदस्य ने कहा कि हम मोबाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिमेंशिया के लिए बहुत बड़ा एक रीज़न बन रहा है। हम वाइब्रेशंस के बीच में रहते हैं, किस तरह के वाइब्रेशंस से, उनकी स्टडीज़ भी अभी चल ही रही हैं। उसी तरीके से टेंशन का विषय है, खाने का विषय है, सोने का विषय है, आवर ऑफ स्लीप, आवर ऑफ रेस्ट, आवर ऑफ वर्किंग, इन सब चीज़ों का लाइफस्टाइल का एक इम्पैक्ट आया है। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो कम्युनिकेबल डिजीजेस की थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी फॉट विद द कम्युनिकेबल डिजीजेस, बट नाउ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैव गॉट द इक्वल बर्डन विच वी आर शेयर, इक्वल बर्डन, मोर देन दैट हो रहा है। अब अगर हम लाइफस्टाइल के दृष्टि से देखें तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, दे आर ऑन इंक्रीज और ये सब का संबंध कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से है, जुड़ा हुआ हमारे टेंशंस, कंपल्शंस, हमारे जो हम जीवन जिस तरीके का जी रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का भी उस पर असर है। इसलिए हमको इसमें होलिस्टिक अप्रोच लेने की ज़रूरत है, यह मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ। दूसरी बात इसको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स हैं, हो रहे हैं, होंगे, नंबर हो रहा है, डायबिटीज़ के भी हो रहे हैं, हाइपरटेंशन के भी हो रहे हैं, उसी तरीके से अल्जाइमर और डिमेंशिया के बारे में भी इसकी संख्या भी बढ़ेगी और बढ़ रही है इस तरीके का। लेकिन जब हम उसको, ये इसका रीज़न यह भी है कि दी क्वांटम ऑफ जो पॉपुलेशन हमारी है, उस पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो नंबर बड़ा ही होगा, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है क्योंकि जब हम उसको रेशियो में देखते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स में जो बीमारियां का रेट इंक्रीज हो रहा है उसी के अनुपात में वो चल रहा है।
लेकिन फिर भी मैं इस विषय से कंसर्न हूं और मैं मेहताब जी और उनके माध्यम से सभी 20 सदस्यों के माध्यम से सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार करके इसको हम इस विषय को हम एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। 1991 में वैसे दुनिया में भी यूनाइटेड नेशंस ने एनन्शिएट किया था प्रिंसिपल्स फॉर ओल्ड पर्सन्स और उन्होंने 1992 में असेंबली में एक प्रोक्लेमेशन फॉर एजिंग के लिए उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन किया था, दैट वाज इन 1991। और उसके बाद सभी सरकारों ने, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने इस दिशा में सोच करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमारे यहाँ भी एज ए नोडल मिनिस्ट्री के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, हमारे सापला साहब ने उसके बारे में चर्चा की है, 1999 में नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्संस विच सीक्स टू एश्योर ओल्डर पर्संस दैट देयर कंसर्न्स आर नेशनल कंसर्न्स एंड दे विल नॉट लिव अनप्रोटेक्टेड, इग्नोर्ड एंड मार्जिनलाइज्ड। ये एक पॉलिसी 1999 में, पहले 1991 में प्रोक्लेमेशन हुआ और 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इस पर प्रयास करते हुए नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्संस इसको उन्होंने एनन्शिएट किया। इसके एनन्शिएशन में सेक्शन 33-47 उन्होंने इन बातों को रखा कि किस तरीके से द एल्डर सिटीजन कैन बी प्रोटेक्टेड एंड कैन नॉट रिमेन अनप्रोटेक्टेड, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स व्हिच हैज टू बी टेकन इनटू कंसर्न। तो उस दृष्टि को ध्यान में रख करके इस दृष्टि से एक कार्य हुआ। फिर जैसा कि अभी अपने मेहताब जी के विषय में इनका एक बहुत वो था कि जो लोग अबैंडन कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, और दोज हू आर बीइंग डिसरिगार्डेड बाय द चिल्ड्रन, उनके ऊपर कोई ना कोई, इट शुड बी टेकन एज एन ऑफेंस। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजंस बाय द चिल्ड्रन एंड द अदर स्टेक होल्डर्स। यानी इसको हम लोगों ने लीगल बाइंडिंग भी किया। 2007 में हम एक्ट लेकर के आए जिसमें मेंटेनेंस ऑफ द सीनियर सिटीजंस बाय देयर चिल्ड्रन, दैट इज एन एक्ट विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। और उसी में आगे बढ़ते हुए सेक्शन 4(3) ने यह कहा कि द ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रन टू मेंटेन हिज और हर पेरेंट एक्सटेंड्स टू द नीड्स ऑफ द पेरेंट ईदर फादर और मदर और बोथ एज इन द केस मे बी सो दैट सच पेरेंट मे लीड अ नॉर्मल लाइफ। दिस वॉज द प्रोटेक्शन क्लॉज विच वॉज गिवन। And Section 24 gave the power, the Act provides, for punishment and abandonment of and disregard of senior citizens, wherein punishment can be up to 3 months imprisonment and 5,000 fine. मतलब 3 महीने का imprisonment भी हो सकता है अगर हम उसको disregard करते हैं और अपने parents को और उनका हम ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये उन्होंने उसमें जोड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इनिशिएटेड अ स्कीम कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्संस, दैट इज फ्रॉम 2008। दिस स्कीम इज फॉर गिविंग असिस्टेंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज एंड एनजीओस एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर दिस पर्पसेस। अगर कोई गांव में कोई इस तरीके से किसी माता पिता की अवहेलना कर रहा है, उसके दृष्टि से भी एनजीओस के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से एम्पावरमेंट करते हुए इसके लिए भी उसका प्रोविजन किया गया। तो एक विषय जो आपका है, जो बहुत ही सीरियस कंसर्न का है, वो ये है कि डिसरिगार्ड जो डिमेंशिया पेशेंट्स हैं या एल्डर सिटीजन्स हैं, उनके बारे में इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। सो दैट पार्ट हैज बीन टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट एंड उसको हम आगे बढ़ा भी रहे हैं। दूसरा जो आपने विषय रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अबाउट द ओपनिंग ऑफ द जेरियाटिक केयर यूनिट्स एंड प्रमोशन ऑफ जेरियाटिक मेडिसिन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सर्वे ऑफ डिमेंशन पेशेंट्स, ये सारे आपने उसमें प्रोविजंस आपने अपने एक्ट में, ओरिजिनल एक्ट में जो आपने दिया है उसमें आपने रखने का प्रयास किया है, और उस ये जो बिल है उसमें आपने रखने का प्रयास किया है। उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमारे यहाँ नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली NPHCE 2010,
इसको हम लोगों ने इनिशिएट किया. दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड विच हैज बीन टेकन, दैट वॉज इन 2010, नॉट वेरी फार ऑफ बट ओनली इन 2010 दैट वी हैव अंडरटेकन. और इसमें जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स लिए हैं, दैट इज सेटिंग अप ऑफ द रीजनल जेरियाटिक सेंटर इन मेडिकल कॉलेजेस, सेटिंग अप ऑफ जेरियाटिक यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, establishment of rehabilitation unit at community health care centers, support to the primary health centers, training of provision of human resources, monitoring and supervision, and IEC, information, education and communication. These are the aspects, these are the components which has been taken care regarding this. Aur is baat ko karne ke liye abhi jo hum logon ne elderly people ke liye rehabilitative services dene ka prayas kiya hai, as of now it is in 104 districts and which is in 22 states and two union territories it is covered. Aur ye jo geriatric care units hain isko hum logo aur aage badhane ka prayas kar rahe hain, which will go to 221 districts and the 12th 5-year plan, kul milakar ke 325 districts are to be covered with geriatric care centers. That is what is in the process, and 104 at the moment and 221 in coming times. Isme bhi jo hum log dene wale hain, jo suvidha dene wale hain aur de rahe hain, wo hai regular dedicated OPD services on the daily basis by consultant physicians will be organized in district hospitals. Geriatric ward 10 bedded, ये हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में देना है. और फैसिलिटीज ऑफ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोविजंस ऑफ मेडिसिन ऑफ जेरियाट्रिक मेडिकल हेल्थ केयर. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गिव इन द जेरियाट्रिक केयर यूनिट. उसी तरीके से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर ट्वाइस अ वीक जेरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड डेज होंगे. दिस दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट इन CHCs एंड PHC में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज geriatric clinic by trained medical officer, elderly for OPD of medical OPD will be run by medical officer who will be imparted training in that will be done weekly in primary health center weekly by a doctor, medical doctor who will be given imparted the training to deal with geriatric issues. और उनको ट्रेनिंग के बाद वो वीकली दिस विल बी डेडिकेटेड एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर. दैट इज व्हाट वी हैव planned and what we are trying to do it. एक आपने कहा था कि अभी हमारे पास कोई सर्वे नहीं है, वी डू नॉट नो वॉट इज द पोजिशन. एंड वो अपने इसमें प्रोविजन में भी, अपने बिल में भी कहा है कि इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. तो उसमें हम लोगों ने एक लासी जिसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, हैज बीन इनिशिएटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज विद द असिस्टेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. और इसमें सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को भी जोड़ा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग को भी जोड़ा है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भी जोड़ा है, और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन UNFPA को भी जोड़ा है. ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर हम एक सर्वे करा रहे हैं, और उस सर्वे से हम हेल्थ प्रोफाइल पता करेंगे ऑफ द एजिंग पीपल. व्हाट इज द हेल्थ प्रोफाइल, what are the areas where the intervention is needed, and according to the priority what are the interventions which are needed, that is also to be taken care of. Isliye this work has started, and very soon after having the profile, health profile, and after having the reports of the survey, we will be prioritizing accordingly and trying to do it in that possible manner jitna jo ho sakega. Jahan tak ye training ka sawal hai, usme हम लोगों ने एक तो रीजनल जेरियाट्रिक सेंटर तो है ही, लेकिन ये जो रीजनल जेरियाट्रिक सेंटर्स, देयर आर टू सेंटर्स विच वी हैव स्टार्टेड, वन इज इन एम्स एंड अनदर इज मद्रास मेडिकल कॉलेज. नाउ दे आर आल्सो गोइंग टू बी हैविंग अ 200 बेड ईच, 200 बेड. And these district hospitals, which are regional geriatric centers, jo regional geriatric centers honge, they are 20 in number. So, ek to ye national geriatric center 2 or regional geriatric centers 20. So, 200, 400 beds and 60 beds honge isme. 30 beds, sorry,
30 बेड्स होंगे तो कुल मिलाकर के 600 बेड कैपेसिटी इनकी भी डेवलप की जाएगी। इसके साथ साथ दीज सेंटर्स एम्स एंड मेड्रास दे आर गोइंग टू गिव इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑल्सो टू द डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट्स, और इसलिए 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स एन एमडी डिग्री इन जेरियाट्रिक मेडिसिन पर ईयर। पीजी कोर्सेज इन जेरियाट्रिक मेडिसिन हैज बीन स्टार्टेड इन 2 रीजनल जेरियाट्रिक सेंटर्स, और ये इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और जो हमारे को इसमें ट्रेनिंग का कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को हम आगे एनलार्ज करने वाले हैं और उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जहाँ तक डिमेंशिया का सवाल है वो भी हम इसी ट्रेनिंग के तहत नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी का जो प्रोग्राम है उसके तहत हम डिमेंशिया को इसको हम जहाँ हम प्रायोरिटाइज भी कर रहे हैं उसके साथ साथ इसके लिए हमको किस तरीके से हेल्प करनी है और हेल्थ के दृष्टि से व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी क्रिएटेड दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, एंड इन कमिंग टाइम हम इसको और तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। और ये लगभग हम ये जो इसका मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ये 245 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री 241 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री इसमें हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, और इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग डिमेंशिया ये हम नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में मिनिस्ट्रीज टू फोकस ऑन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग डिमेंशिया एंड डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विच एट प्रेजेंट कवर्स 241 डिस्ट्रिक्ट। सो 241 डिस्ट्रिक्ट में दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू डू इट। उसमें ही हम स्पेशलाइज ट्रीटमेंट फॉर डिमेंशिया इज ऑल्सो बींग प्रोवाइडेड इन ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ अपना निमहांस बैंगलोर, और इसी तरीके से हमारे और जो रीजनल सेंटर्स हैं उसमें भी ये प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर डिमेंशिया, उसके लिए स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जा रही है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोगों ने लेने का प्रयास किया है, और जो आपने अपने बिल में जिन 4 बातों को एनन्शिएट किया है, तो इट शुड बी ऑफेंस नंबर 1, नंबर 2 ट्रेनिंग का पार्ट, नंबर 3 हम बेड्स को इंक्रीज करें, नंबर 4 इसमें हम रिसर्च बढ़ाएं, इसमें हम ट्रेनिंग के साथ साथ मैन पावर को इंक्रीज करें, उन सारे प्रोविजंस को हम लोगों ने अपने हेल्थ के प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, एंड वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट एंड व्हाट आई कैन ओनली एश्योर दैट इन दिस डायरेक्शन द इंटेंसिटी इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बट इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, बिकॉज ये प्रॉब्लम की ये समस्या जिसको कहते हैं ये इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, और इंक्रीजिंग ट्रेंड पर होने के साथ साथ अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने इस बात को भी कहा कि एल्डर सिटीजन हम 60 से मानते हैं पर 75 प्लस के लिए वी विल हैव टू टेक अ स्पेशल ड्राइव एंड वी विल हैव टू टेक अ स्पेशल प्रोग्राम एंड पॉलिसी। तो हम हेल्थ में भी स्पेशल पॉलिसीज के तहत पीपल अबव 75 व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डू दे नीड व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर दे नीड एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट इस पर हम विशेष करके ध्यान दे रहे हैं, और आने वाले समय में हमने हेल्थ पॉलिसी में भी इसको अपने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और उसमें हम पब्लिक डोमेन में हमने डाला है, उसके रिस्पॉन्सेज आने के बाद हम उसको ऐड करेंगे। व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर मेहताब इज दैट द गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस ऑन दिस इशू, वी टोटली शेयर अवर कंसर्न विथ यू, मच इज टू बी डन, एंड दैट इज वाई आई वुड ओनली लाइक टू से दैट आपके साथ सरकार पूरे सहमति रखते हुए इस पर जो हम लोगों ने कार्य किया है उसका मैंने एक छोटा सा विवरण आपके सामने रखा है, और इसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि सरकार की इस मंशा को ध्यान में रखते हुए मेहताब जी अगर अपने बिल को विड्रॉ करेंगे और मुझे ताकत देंगे ताकि मैं इसको और तीव्र गति से आगे बढ़ाऊँ, यही मैं निवेदन करूँगा।